मथुरा में हाथियों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था वाइल्ड लाइफ SOS पिछले 10 वर्षों से कृष्ण की नगरी मथुरा में काम कर रही है। ये उन हाथियों का सहारा है जो कहीं ना कहीं किसी घटना दुर्घटना बीमारी प्रताड़ना का शिकार हुए होते हैं। हाल ही में संस्था के द्वारा उन मृत हाथियों की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण किया गया है। जानकारी के मुताबिक यह स्मारक उन हाथियों की याद में बनाया गया है जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त बचाने की कोशिश की गई लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जी हां, वाइल्ड लाइफ SOS हाथी संरक्षण केंद्र के मैनेजर नरेश कुमार ने बताया है कि हाथियों के लिए बनने वाले यह स्मारक देश का इस तरह का पहला स्मारक है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल उनके पास देश के विभिन्न हिस्सों से बचाए गए 23 हाथी मौजूद हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। मेमोरियल के बारे में बताते हुए नरेश कुमार ने कहा कि इसे उन हाथियों की याद में बनाया गया है जिनको रेस्क्यू किया गया था और जिन्होंने इलाज के वक्त दम तोड़ दिया है। यहाँ मृत हाथियों के नाम के साथ उनके बारे में लिखा हुआ बोर्ड भी लगाया गया है जिससे उन हाथियों के बारे में लोग जान सके। जी हाँ, आपको बता दें कि वाइल्ड लाइफ SOS विलुप्त होती वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था है। इसने मथुरा के फहर ब्लॉक के चुरमुरा गांव में हाथी संरक्षण सेंटर की स्थापना अब से 10 साल पहले की थी जहां देश भर से रेस्क्यू कर लाए गए हाथियों को रखा जाता है। संस्था हाथियों के लिए एक अस्पताल की भी स्थापना कर रही है जहां पर उनको पूर्ण देखभाल के साथ उत्तम उपचार भी मिल सकेगा। हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र वन्य जीव संस्था SOS वाइल्ड लाइफ की एक अहम परियोजना है जो उत्तर प्रदेश वन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से संकट में बंदी हाथियों के पुनर्वास के लिए कार्य करती है। जी हाँ, यह संस्था किसी भी प्रकार के जंगली जानवरों के रेस्क्यू का एक बड़ी अनुभवी टीम के साथ कार्य करती है जो बहुत जोखिम भरा भी होता है। संस्था और उसकी टीम हर जोखिम से गुजरने को हमेशा तत्पर रहती है और एक्सपर्ट का पैनल भी इसमें शामिल होता है। यहाँ रोज घूमना फिरना, नहाना मस्ती करना, नियमित पौष्टिक आहार लेना, साथ ही अच्छे पशु चिकित्सक देखभाल के साथ खुशी से अपने दिन बिताने में हाथी सक्षम होते हैं। जी हाँ, संरक्षण केंद्र और देखभाल केंद्र में वर्तमान में लगभग 23 हाथी हैं जिनमें 14 मादा और 9 हाथी शामिल हैं। वाइल्ड लाइफ SOS का यह हाथी रेस्क्यू सेंटर वनस्पतियों से भरा हुआ है। सर बताइए कि मथुरा में एक एलिफेंट सफारी है, क्या सर उसके कार्य हैं और कैसे उसको संचालित किया जाता है? वो एलिफेंट सफारी नहीं है, उसका नाम है एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर। पूरे देश में जहाँ भी हाथी घायल हो जाता है, मरणासन्न हो जाता है या आवारा घूमता है, उसको पकड़ करके वहाँ रखा जाता है और उसका इलाज किया जाता है जब तक कि वो जिंदा रहता है। अपनी उम्र पूरे होने के बाद, मरने के बाद उसका वहीं अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सर कुछ बताया जा रहा है कि हाथियों के स्मारक भी वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, कुछ संरक्षण के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। वहाँ पे हाथियों का इलाज होता है, उनको जीवित रखा जाता है, लेकिन इस दौरान फिर भी कोई हाथी मर जाए तो उसको ये मान के कि ये गणेश की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए उनको पूज्य मानते हुए हर हाथी की वहाँ पे एक समाधि बनाई जाती है। उस जगह को उन्होंने समाधि स्थल के नाम से तैयार किया है और 8 नवंबर को उसका समाधि स्थल के रूप में उद्घाटन किया है। इसकी देखरेख बताई जा रही है कि कोई बहुत बड़ी संस्था के द्वारा की जा रही है? इसकी देखरेख एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, NGO है, उसका नाम है SOS वाइल्ड लाइफ। वो इसकी देखरेख करती है, भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से उसकी अंडरस्टैंडिंग है, MOU है, उसके तहत वो काम करती है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं यहाँ वाइल्ड लाइफ SOS के एलिफेंट कंजर्वेशन केयर सेंटर पर मैनेजर के पद पर कार्य करता हूँ। जी, तो कुछ यहाँ की इस संस्था के विषय में बताइए कि संस्था हाथियों के लिए कैसे कार्य करती है। जी, वाइल्ड लाइफ SOS की बात करें तो ये सन 2010 से मथुरा में हाथियों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो यहाँ पर जो भी हाथी आते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं मेनली। तो जो भी पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अनुमति के आधार पर हाथी जहाँ पर आते हैं, उनमें जो भी बीमारियाँ रहती हैं, जिस तरीके की उनको लोग टॉर्चर करते हैं, उनका खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, वो सब यहाँ पर हाथी हमारे वेटरनरी टीम के द्वारा ट्रीटमेंट किए जाते हैं। कुछ हाथियों के हमारे पास ऐसे हैं जिनको चलने में तकलीफ़ है, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कुछ को आँखों से दिखता नहीं है, कुछ बहुत कमज़ोर भी हैं। तो ऐसे सब हाथी हैं हमारे पास इस समय, 23 हाथी हमारे पास इस समय हैं जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है। अच्छा, कुछ यहाँ बताया जा रहा है कि समाधियाँ भी एलिफेंट्स की बनाई गई हैं। जी हाँ, जो हमने टोटल रेस्क्यू हाथी किए हैं उनमें से 5 हाथी स्वर्ग से धार गए हैं, उनको हमेशा याद रखने के लिए हम लोगों ने उनके एलिफेंट मेमोरियल की स्थापना करी है।
जिसमें कि उनका जो अच्छा और बुरा समय हम लोग के साथ बीता उसको हम हमेशा याद रख सकें, इसलिए उन समाधियों में हमने नाम भी दिए गए हैं, जैसे लाकी, लूना, सीता, मोहन और जो भी हाथी हमारे यहाँ थे उन... JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।